हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास क्लास 11। मोहसिन, हम लोग का जो टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर का, मोहसिन इन अ प्लेन था और हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, हमको समझना होगा, वन सेकेंड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो रियल नंबर, मतलब कि अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है, उसको हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एन टाइम्स होता है। मतलब जितने जितना उसकी मैग्नीट्यूड होता है उतने टाइम्स हमारा वो वेक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट लैम्डा इज़ अ रियल नंबर एंड लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, तो लैम्डा जो है वो जीरो से बड़ा है और इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर होगा या मे बी निगेटिव भी हो सकता है। तो वो जीरो से बड़ा है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो वेक्टर है वो जीरो हो जाए, इसलिए हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखनी है। तो फॉर एग्जांपल, नहीं, फर्स्ट आप लोग देखो, अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो देन लैम्डा इंटू ए इज टू लैम्डा है। ओके, मतलब जो हमारा वेक्टर है लैम्डा से मल्टीप्लाई किए तो वो लैम्डा टाइम हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं में तो टू टाइम्स ए हो जाता है। अगर हम माइनस माइनस क्वांटिटी भी देख सकते हैं, अगर सपोज हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है तो जिसे माइनस ए हो गया, इसका मतलब है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और आप लोग ये फिगर में देखो कि ए इज इक्वल टू ए इधर है तो देन टू ए, मतलब उसका टू टाइम्स हो गया, एंड जो माइनस ए है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब आते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आपको पढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में ट्राइंगल लॉ को फॉलो किया जाता है। हाँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो इन दोनों को फॉलो किया जाता है जिसके थ्रू हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो मैं आपको नोट करके आगे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग इसको देखो कि एडिशन का, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर, ए एंड बी गिवन है तो इन दोनों को ऐड किया तो जो उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट मतलब ए एंड बी को हमने ज्वाइन किया तो जो इसका रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू, जो वेक्टर आर है, मैं आर इक्वल, एक मिनट, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है वेयर आर इज रिजल्टेंट। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्राइंगल एडिशन ऑफ ट्राइंगल लॉ बता देता हूँ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों के बारे में आपको नोट कराता हूँ, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट इसको आप लोग जानते रहेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ ट्राइंगल एडिशन है, मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप लोग नोट करिएगा, यहाँ सामने आपके है, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन देयर रिजल्टेंट कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड बोथ इन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टेकिंग थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब कि दो वेक्टर है ए एंड बी है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के दो साइड्स को लेके इक्वली क्या करेंगे कि दोनों को सेम उसके ऑर्डर को बिना चेंज किए हुए उठा के हम उस पर प्लेस कर देंगे। एंड जो उसका अब कि उसका जो थर्ड होता है, जो उसका थर्ड साइड होता है वो उसका रिजल्टेंट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल लॉ है जो आपके सामने रिटन है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आते हैं, इफ़ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। मीन्स क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं तो जो दो वेक्टर होता है वेक्टर ए एंड बी को उसके टू साइड्स पे हम प्लेस करते हैं। ठीक है, एक विड्थ पे
एक हाइट पे। ओके, तो चूंकि आप सभी को जानते हैं कि पैरेललोग्राम में उसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं, उसके जो दो साइड हैं इक्वल एंड पैरेलल होते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो हम इसको प्लेस करते हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट होता है उसको हम डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायगोनल ही रिजल्टेंट होता है, यही पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके सामने है स्क्रीन पे। अब जैसे कि हमने बुक में देखा, एक डायग्राम बना हुआ है, तो उस डायग्राम के थ्रू हमको अब इसमें ये भी पढ़ना है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है और एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो आपके स्क्रीन पे ये फिगर बना हुआ है, पहले आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के बारे में वो क्या है। मैं आप लोगों को कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताना चाहता हूँ कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। मीन्स क्या है कि अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, जैसा कि हम आपको अभी दिखाते हैं, अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी को, तो अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज कर रहे हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हम दो क्वांटिटी है, अगर उसको हम ऐड कर रहे हैं या उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो उसका ऑपरेंड होता है उसके साइड को चेंज करने से उसकी वैल्यू को डिफेक्ट नहीं करता। मतलब आपके सामने है कि ए प्लस बी को ऐड करेंगे या फिर बी प्लस ए को, उसकी वैल्यू सेम होगी। और वेक्टर एडिशन जो है वो आल्सो फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन में भी यही लॉ फॉलो किया जाता है। और एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि हम, अब इफ़ यू आर एडिंग और मल्टीप्लाइंग, इट डजेंट मैटर वेयर यू पुट द ब्रैकेट। मतलब आप एडिंग कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे आप एडिंग कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप जो वेक्टर है या आप जो दो दो आप जो दो ऑपरेंड्स को आप ग्रुप कर रहे हो। मतलब ब्रैकेट में बंद करने का मतलब क्या होता है, उसे ग्रुप करना कहते हैं। तो आप ग्रुप कर रहे हो, चाहे हम एक ब्रैकेट में ए प्लस बी फिर प्लस सी करें या फिर हम ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी करें, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती इन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सो वेक्टर लॉ आल्सो फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। तो आपको ये सारी चीज़ें जानना जरूरी था, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और ट्राइंगल लॉ। अब नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा।